हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो बर्फी। तो देख लेते हैं इसके लिए जो सामग्री लगेगी। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी ड्राई फ्रूट लिए हैं, इन्हें बारीक पीस में कट कर लिया है। आधा कटोरी मावा लिया है। एक कटोरी आम का रस लिया है, इसमें सिर्फ आम को इस्तेमाल किया है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। एक कटोरी नारियल का बूरा लिया है। आधा कटोरी शक्कर, एक कटोरी मिल्क पाउडर, एक चम्मच इलायची पाउडर लिया है। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें आम का रस डाल देंगे। पहले गैस अभी चालू नहीं करना है। इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर और आम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को चालू कर देंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। इसमें मावा डाल देंगे। मावे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आम थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक हम इसको पका के ले लेंगे। अब इसमें नारियल का बूरा डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे। जमाने के लिए एक प्लेट ले लेंगे, उसमें घी लगा लेंगे नीचे। बर्फी का मिश्रण डाल देंगे। मिश्रण को इस तरह से फैला देंगे। जितनी मोटी आपको बर्फी चाहिए उस तरह से आप इसे रख सकते हैं। इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे से दबा देंगे। अब बर्फी को 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने देंगे। वो बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसके लिए चाकू पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। मैंगो बर्फी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।